हामिद राहुल नाम मेरा नाम माजिद बशीर है। आप कहाँ से? मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। आज़ाद कश्मीर कौन सा एरिया? आज़ाद कश्मीर पुलंदरी से तल्लक है मेरा। अच्छा, पुलंदरी से हम गए हुए हैं पुलंदरी में। तो कल क्या होने वाला है? कल इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है, जहाँ पे खान साहब आके एक आवाम के समुंदर के साथ खिताब करेंगे, नेक्स्ट लायमल देंगे जो उन्होंने अपनी तारीख शुरू की हुई है, हकीकी आज़ादी की तारीख, उसके लिए नेक्स्ट लायमल देंगे, बताएंगे कि नेक्स्ट हमने आगे क्या करना है। होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो हक में बेहतर होगा वो फैसला होगा, जो आवाम के अमंगू के मुताबिक होगा वो फैसला होगा, ना कि जो है ना बंद कमरू वाला फैसला होगा या ऐसा फैसला होगा जो हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा। इंशाल्लाह खान साहब आके बेहतर इलेक्शन लायमल देंगे और इंशाल्लाह जो इलेक्शन की डेट है, हम लोग चाह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन जो हमें डेट चाहिए वो लेके जाएंगे इंशाल्लाह कल आके। तो आपके एरिया से बाघ से आज़ाद कश्मीर से काफिला वहाँ से चल पड़ा है, ये आ रहे हैं? जी जी, सरदार मोहम्मद हुसैन साहब की क़यादत में वहाँ से काफिला आएगा इंशाल्लाह सुबह। यहाँ से कोई तीन घंटे लगते हैं वहाँ तक, तो सुबह काफिला निकलेगा, बहुत बड़ा काफिला है, आम काफ़ी पुरजोश है वहाँ से आने के लिए, और अच्छे लोग आएंगे और अच्छा जो ना मजमा लाखों का मजमा होगा यहाँ पर इंशाल्लाह। हाँ जी, रावलपिंडी में तो मेरे ख्याल में कल पाँव रखने की जगह नहीं होगी। नहीं, देखें अभी आप देख रहे हैं कि इस सर्दी में और टेम्परेचर इस टाइम क्या है, और जो है ना लोगों का आप जोश जज्बा देख रहे हैं लोगों का, तो सोचें कल जो है ना आवाम का एक बहुत बड़ा समुंदर होगा यहाँ पे। अभी से जो अभी तो काफिले पहुँचे ही नहीं है, अपनी मदद आपके तहत लोग मोस्टली आ रहे हैं, जो काफिले की क्यादत में लोग आएंगे वो तो अभी कल सुबह निकलना है, उन्होंने कश्मीर से बहुत बड़े काफिले आ रहे हैं, गिलगित से हैं, कोयटा से हैं, उसके अलावा पेशावर साइड से, पूरा जो है ना लाहौर से, मुख्तलिफ जगहों से काफिले आएंगे, कल काफिले आएंगे तो पता चलेगा इंशाल्लाह आवाम का बहुत बड़ा समुंदर होगा यहाँ पे। तो रस्ते में जो रुकावटें डाली गई हैं तो वो उसका क्या करेंगे? देखिए बेसिकली ये जो अपनी बुखलाहट शो कर रहे हैं ना, आप जब डर जाते हैं, आप मुकाबला नहीं कर पाते, तो फिर आप इस तरह के ऊंचे हथकंडे अपनाते हैं, किसी तरीके से आवाम को दबा दें उनको जो है ना। अब ये जो जिन है ना आज़ादी का, ये बोतल से बाहर निकला हुआ है, अब इसको आप दबा नहीं सकते। अब ये 90s का पाकिस्तान नहीं है कि जिसको आप जो है ना कोई एक फैसला थोप देंगे। अब आवाम की शहूर आ चुका है, खान ने जो शहूर देना था इस कौम को वो दे चुका है, अब शहूर आ गया आवाम में, अब ये जो है ना ये ओछे हटकंदू से कुछ नहीं होने वाला, इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी आएगी इंशाल्लाह। कल हकीकी आज़ादी में रावल न्यूज़ आपके साथ होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह, सब्सक्राइब करेंगे प्रॉपर आपको जो है ना प्रमोट करेंगे, और आपने भी आवाम की जो आवाज़ बनना है, आवाम को जो चाहती है, जो आवाम चाहती है, ना कि मेनस्ट्रीम मीडिया जैसे हम देख रहे हैं अभी काफ़ी हद तक बिका हुआ है, जो उनको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती हैं वही दी जाती हैं आगे, तो आपने कोशिश करनी है जो आवाम चाहती है, जो आवाज़ जो आवाम की आवाज़ है वो आवाम तक पहुंचे, जो लोगों का वकील आवाम क्या चाहते हैं, लोगों के अंदर क्या जज्बा है वो फैसला होना चाहिए इंशाल्लाह। होपफुली जो है ना आप जो है ना आवाम की आवाज़ पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। चोर हामिद राहुल